नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इन्वर्टर स्टेबलाइजर की काम करते हैं और सोचिए अगर 2400 घंटे आपको सातों दिन आपको बिजली मिले परफेक्ट 220 वोल्ट तो क्या होगा, है ना आश्चर्य वाली बात। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैं कोई दूसरा काम करूंगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर 15 वर्षों से या 10 वर्षों से आप ये काम करते हैं, इन्वर्टर स्टेबलाइजर की काम करते हैं, और एकाएक आपको पता चलता है कि अब ये ट्रेड बदलने वाला है। जैसे आप देखा होगा, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो रेडियो मिस्त्री है बेकार हो गए। कुछ लोग सीडी बनाने लगे, कुछ लोग टीवी बनाने लगे, लेकिन कुछ लोग जो बहुत इसमें माहिर थे रेडियो में, वो बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि वो सारा ध्यान जो है वो अपना रेडियो पे फोकस किए हुए थे और रेडियो का ट्रेड चेंज हो गया। उसी तरह DVD का, उसी तरह VCR का। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि समय परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेज से हो रहा है। अगर आप जनरली इन्वर्टर और स्टेबलाइजर की मैकेनिक्स हैं तो ये आपने गौर किया होगा, हमारे क्षेत्रों में लगभग बहुत सारे जगहों पर ऐसा हो रहा है कि लगभग 22 घंटा 220 वोल्ट या 240 वोल्ट एप्रोक्स वोल्टेज रहती है, जिससे हो क्या रहा है कि स्टेबलाइजर और इन्वर्टर का जो सेल है डाउन होता जा रहा है, सर्विस है वो डाउन होता जा रहा है, और उसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी आ गई हैं। प्लस उसमें क्या है कि बहुत सारे जो इतने आसान किट और इतने आसान डायग्राम इत्यादि आ गए हैं, YouTube आ गया है, बूम हो गया है इससे, कि बहुत सारे लोग जो हैं इन्वर्टर और स्टेबलाइजर बनाने लगे हैं। जैसे आम जनरल फैन बनाने वाला मिस्त्री भी आज स्टेबलाइजर रिवाइंड कर लेता है, स्टेबलाइजर कंप्लीट कर लेता है, स्टेबलाइजर बेच लेता है। तो होता क्या है कि आपका सेल दिन पर दिन कम होते जा रहा है और आपका इनकम जो है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस स्थिति भी हो गया है दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या हैं कि आस लगाए हैं कि अब हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ हम अपने मन को बहला सकते हैं कि हमारा व्यवसाय जो है ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़िया रहेगा तो बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेबलाइजर लगाए हुए थे वो निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेबलाइजर जो है मेरी ज़्यादा बिजली बिल बढ़ा रही है, जिस कारण वो स्टेबलाइजर भी निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे क्या? तो दोस्तों, आने वाले समय में आप भी सोच लीजिए कि बहुत सारा समय जो है आपको अब बिता चुके हैं, तो अब दूसरे लाइन में आपको जाने के लिए भी बहुत सारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और आपका जो सेटअप है फिर जीरो से शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप 15 साल या 10 साल इसमें व्यतीत कर चुके हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो दोस्तों, इसके लिए सलूशन क्या है? तो दोस्तों, हमको ये समझना होगा कि हम आज जो ज़िंदगी में काम करते हैं वो हमेशा एक सा नहीं रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एक समय में जब TV आई थी तो उससे पहले सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग जो हैं सिनेमा देखने जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, लेकिन आज बहुत कम लोग, अधिकांश लोग TV में देख लेते थे। और आज TV के बाद आज देखिए, आज मोबाइल में लोग, हर आदमी TV की अपेक्षा मोबाइल देखने पर लगा हुआ है, और वो क्या रहा है कि TV से ज़्यादा लोग मोबाइल में देख ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का युग है, हर आदमी के पास डाटा है और हर आदमी उसको यूज करता है, अपने मन चाहे पिक्चर जब चाहे तब देख सकता है। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि परिवर्तन हो रहा है। इसमें हमें क्या करना है, भविष्य में आपको करना क्या है ये जान लीजिए। तो भविष्य के लिए सबसे आसान चीज़ है कि जो भविष्य में डिमांडिंग हो रही है उस चीज़ को आप जाने और उस चीज़ को समझें। जैसे कि आज के डेट में जो फ्रिज, कूलर, AC, मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि की काफ़ी डिमांड है, फैन की तो डिमांड है ही है, और इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे मैकेनिक्स हैं जो फैन पर ध्यान दे रहे हैं, और अभी दोस्तों फैन में प्रॉफिट है। आप कॉपर की रिवाइंड करें या अल्मोनियम की रिवाइंड करें, एक फैन में लगभग 200 से 300 रुपये आदमी बचा ले रहा है, जैसे भी बचाए। अगर डायरेक्ट कस्टमर से आप डील करते हैं तो 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में आपका बच जाना है। अगर आप डायरेक्ट किसी दुकानदार लोग से संपर्क करते हैं तो भी आपको 100 रुपये, 110 से 120 रुपये तो एक फैन में बच ही जा रहा है। अगर एक दिन में 20 फैन या 10 फैन भी बना देते हैं तो लगभग 1000 रुपये की काम आप
कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि आपको करना क्या है, समय के साथ चेंजिंग कीजिए, सिर्फ स्टेबलाइजर और इन्वर्टर पर निर्भर न रहें, आप उसके साथ में किसी एक अपने ट्रेड में फैन कूलर या फिर एसी फ्रिज इत्यादि पर ध्यान दें। यहाँ तक कि बहुत जगह पर ऐसे है कि आप स्पेशली मिक्सी के लिए बन जाएं मैकेनिक्स, तो हो क्या रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं मैकेनिक्स हैं जो हर चीज़ बनाते हैं लेकिन वो परफेक्ट हर चीज़ में नहीं होते हैं। तो अगर आप स्पेशली किसी विशेष चीज़ पर जो भविष्य में चलने वाली चीज़ है उस पर अगर आप फोकस करके उस पर क्या काम करते हैं तो आपकी इनकम काफ़ी बढ़ेगी और आपको ये सोचने का समय भी नहीं रहेगा कि अब इन्वर्टर का बिजनेस जब बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मेरी इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मैं नहीं कहूँगा, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी और सीरीज निकालने वाला हूँ कि आप कैसे कोई और बिजनेस जैसे कि फैन का कूलर का या फिर फ्रिज और एसी का काम कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए मैं अब वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपका प्यार हमेशा इसी तरह मिल